कराची से लोग अपनों में इधर आने रेडी ट्रेविस स्कॉट। अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम, एक बात सुनना, बड़े बड़े सुनना मालूम है, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, शेव वेव के बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी सीन ये कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ उसके गांव। हम लोग गांव जा रहे थे, उसने कहा समय लाहौर आएगा लाहौर भी रुक जाएंगे। मैंने कहा लाहौर में मुझे भी मिलना है, मैं भी चलूँगा। उसने कहा इस्लामाबाद में भी काम है। मैंने कहा मुझे भी काम है, हम भी चलेंगे। तो लाहौर इस्लामाबाद गांव हम चार पाँच तीन चार लोग जा रहे हैं और बस 6 बजे ट्रेन की टिकट कल मिली नहीं तो हम बस पे जा रहे हैं। एंड साथ हफ्ते भर का होगा, दो दिन और या हफ्ते भर या मोर और लेस 10 दिन मैक्सिमम, सही है। अभी बस हम चलते हैं, सामान वामान, मैं बड़ा नूबू वैसे तो इस ब्लॉग में आप लोग को बदल जाएगा, अभी ज़िंदगी में ट्रैवल नहीं किया हुआ तब मैं कर रहा हूँ। ओके भाई, और दूसरी बात ये कि बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं किया तो कॉल आ गई तो उसकी तो हम बस बड़ गो लाइटें बंद, बिल अभी भी अब्बा नहीं बनना है ना, अभी हम लाहौर पहुँचे थोड़ी हैं, यहाँ का बिल अब्बा ही देंगे। टेक केयर दोस्त, कॉल आ रही है, एक ही सवाल दुआ में रखेगा, इंशाल्लाह हम आएंगे तो उसकी फैमिली बाहर होगी इंशाल्लाह। लेट्स सी, बाय बाय। तो कंटोनमेंट ना आए बॉयज भाई, ये क्या कहते हैं इसको, ऑडिशन का उच्च होता है काला वाला, उसकी जबान में क्या कहते हैं, फेक ऑडिशन। कम पैसों में ऐसा ही होता है, सही है, मिल बांट के रहेंगे, नो इश्यूज। और प्लान ये है, लाहौर इस्लामाबाद को कवर किया वो तो आपने देखा हुआ है, 2 घंटे का ब्लॉग बन जाएगा, हम इसको छोटा छोटा रखेंगे, मेन जिंदगी गांव में दिखाएंगे जो हमें देखनी थी, ये डिटूर है छोटा सा। इसका प्रेशर अच्छा है सबसे, मैंने पसंद ये जगह इसलिए की क्योंकि इसका प्रेशर अच्छा है, मस्ट भाई। ये एक और चीज़ छोटी बात आ रही थी, एक और चीज़ आई हमारे पास, ये हम 5 लड़कों का साबुन, भाई कढ़ाई तो यहाँ ऐसी दिख रही है 1200। अच्छा भाई, वी आर एट बादशाही मस्जिद, नमाज पढ़ ली, जमात वैसे मिस हो गई, इसका मैप एक्सप्लोर करते करते एंड की रकात थी, वो जब तक पहुँचा मैं ढूंढते ढांढते जगह नमाज की वो निकल गई। दूसरा ये मुझे समझ नहीं आया इसका वजू खाना इतना छोटा सा क्यों है, एक मैंने या तो एक देखा गलत देखा, लेकिन जिसमें अंडर बैरल में सिर्फ 10 कुर्सियाँ थी, इतनी बड़ी मस्जिद है जिसमें आप मतलब बंदा खो जाए, उसका वजू खाना मोहल्ली मस्जिद से भी छोटा है, ये समझ नहीं आया, आगे देखता लगता और भी हूँ। अबे क्यों नहीं सीधा हो रहा है, ये है ही टेढ़ा या हम टेढ़े खड़े हैं, अभी सीधा नहीं आ रहा हूँ, कसम खुदा की सीधा नहीं हो रहा, ये देख अभी सीधा नहीं हो रहा, वही क्या नाम है जगह का, शाही किला, और इसमें क्या हुआ था, बादशाह अकबर का किला, इसमें हुआ था, बनाया था ऐसे ही रहने के लिए, हमारे पैसों को नहीं बनाया, एक्चुअल में घूमने जगह है पाकिस्तान के दूसरे शहरों में, पाकिस्तान कराची में जगह है जो महाजनों के पैसे से नहीं बनी, हमें बसना भाई। इन कंक्लूजन लाहौर वाकई लाहौर है, हम बिलाजे कराची वाले मजाक उड़ाते रहते, कचरा बोलते रहते थे, आज हम आए तो देखा घूमने जगह है अलग, कल्चर अलग यहाँ का, पर जो रोडें, नो बाइक नो ठेला नथिंग, घटिया से घटिया इलाका, हमने वो कोई 2500 के होटल में रहते थे, उसके आगे कच्ची आबादी लेकिन ट्रैफिक मेंटेन था, तो लाहौर इज़ गुड, हम सिर्फ खाने में आ गए हैं, खुद मैं कराची में रहते हुए कहूँगा कराची किसी चीज़ में आगे नहीं है, ओनली इन फूड, और उससे कोई मतलब ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अलावा
इसको हम एक ही दिन में कंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ताकि हम यू नो गाँव का सीन ज़्यादा दिखाएं। ये जगह आप लोगों ने ऑब्वियसली देखी हुई होंगी थोड़ी बहुत, बट हम आपको गाँव का सीन ज़्यादा दिखाएंगे। लाहौर इस्लामाबाद को लिप्स में रखेंगे। कहाँ जा रहे हो, हवा देख रहे हो? कराची में नहीं। हाँ भाई, सलाम अलैकुम। इस्लामाबाद एयर, इस्लामाबाद एयर। हम सफर में सो गए थे, हमने कुछ ब्लॉग नहीं किया। अब हम ज़रा नहा धो के शेव वेव बना के कलमा ऊंची नीची करके देख के आते हैं क्या रिपोर्ट है। वही है दैट टाइम ऑफ द लाइफ जहाँ हम इस्लामाबाद आते हैं, पहाड़ियों पर चढ़ते हैं और सोचते हैं कि हम कराची में क्यों रह रहे हैं। मेरे साथ ये दो दफ़ा हुआ है, लेकिन कराची में भी सोचता रहता हूँ, यहाँ के थोड़ा सा ज़्यादा सोचता हूँ। पूरी नहीं है सड़क, ओके बॉयज वी हियर एट असली बंगाली समोसा सेंटर। कराची रहते हुए कितना टॉर्चर हो रहा है। हाँ भाई शिफ्ट हो रहा है, वो क्या बोलते जोर से डालने तक प्लान था खाली कराची। नान बनाने आ जाऊंगा लेकिन यहीं आऊंगा। इस आगे में इसको कोविड हुआ है फिर भी हमारे साथ घूम रहे। ये बता करो अल्लाह ना करे कोविड हो, बहुत हो गया इसका कोविड। एक और गुड थिंग, फ्रेंचीज आ रही है, हमें लाहौर में नहीं मिल रहे थे फ्रेंचीज, यहाँ मिल गए। अच्छा वैसे अब खैर खैर ऐसी भी बात नहीं है, मैं मानता हूँ इस्लामाबाद में दो दिन से ज़्यादा रहूँगा, बोर हो जाऊँगा, सही है, बट पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारे वर्क थे साहब, उन्होंने बताया जब ऑफिस जा रहे होते ना तो वो मैं क्या ऐसी क्या दिखा रहा हूँ, मतलब वो यूँ पहाड़ियाँ देखते हुए खुशहाल मौसम में परिंदे उड़ रहे हैं, ट्रैफिक नहीं है, उसमें ऑफिस जा रहे होते हैं। हम जैसे जिन्होंने तक रफ्तार कहते हैं डीजल भी दे जा रहे होते हैं, तो पीस ऑफ माइंड रहता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बोरिंग शोरिंग से बंदा एडजस्ट कर लेता है। एनीवेज टाइम फॉर सम टूर, टुक टुक टुक। लाहौर की कोठी के बाद हम इस्लामाबाद के थोड़े से बड़े कमरा और वॉशरूम का गेम सही नॉर्मल है। डब्ल्यू सी वी डोंट लाइक इट, हम बेरा बर्गर बच्चे हैं, हम डब्ल्यू सी फ्लश नहीं पसंद करते। इस शॉर्ट का वाहिद मकसद ये है कि वाहिद तो नहीं, दो तीन मकसद हैं। एक आपको इस्लामाबाद का डी एच ए दिखाना, दूसरा ये कि मैंने अच्छे अच्छे सरप्राइज़ कर दिए। मैं लाहौर गया, मैंने वहाँ अपनी एक कज़न को सरप्राइज़ कर दिया, इस्लामाबाद आया मैंने अपने पप्पो उनकी फैमिली को सरप्राइज़ कर दिया, और दोनों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मुझे वहाँ, क्योंकि मैं नहीं निकलता। ये लोग मुझे बुलाते रहते थे सब लोग, पर मैं कराची से निकल ही नहीं पाता था। अब जब निकला तो मैंने जो वीडियो के शुरू में कहा था ना कि मुझे भी लाहौर में भी काम है, इस्लामाबाद में भी काम है, तो मुझे अपने पुराने यारों को सरप्राइज़ देना था। कराची के गरीब बच्चे हाइकिंग करने आए थे ट्रेल थ्री पे, जूस वूस लेकर पिकनिक, जो जैसे हम सीयू जाते हैं ना वैसे ही हम आए थे यहाँ पे, जूस चिप्स पता नहीं क्या क्या लेके आए थे, बोलने को चलाओ नहीं हो पर ये क्या दिन है। जिनको एंजॉय करना कर लें, बाकी स्किप कर दें। खैर मजाक इधर भाई, वो जैसे ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर को तो एवेलिन एवेलिन शर्मा दिख जाती है, ऊपर पहाड़ों पे पत्थर पे बैठी हुई, उनकी कोई चोट लगी होती है, हमें ये दिखे यहाँ पे हम गरीबों का। एवेलिन शर्मा जवाद नकवी भाई, इधर वो अच्छे बिस्कुट नहीं थे पिकनिक में, हमारे अंडा पराठे का रोल भी रखा हुआ है बैग में, कुछ खाने अलाव नहीं है। ओए ओए बदमाश आ रहे हैं क्या? यार दिस इज जवाद, दिस इज बल्लम, दिस इज मी, दिस इज मुश्तवा। साकिब भाई का हम वेट कर रहे थे, सॉरी साकिब भाई आप आ जाना, हम यहीं बैठे हैं कब से, पीछे कुछ घुस गए पजामों में कुछ बोल रहे, या तो वो जवाद हो सकता है पीछे, या कुछ एक्चुअल में घुस गया भाई। मिनट 30th ऑफ फाइंडिंग एवेलिन शर्मा इन पहाड़,
ने बोला तो ये अलाउ नहीं होगा हमें करना है यार कुछ पता नहीं है यहाँ तो चलते जाएंगे अपना फाइनल पॉइंट रीच कर लिया। ओ गेगल बंद हो गया। फाइनल पॉइंट रीच कर दिया। अबे तू डिसलाइक कर दे यार। हां कर रहा हूं एक मिनट। हां मैं बताता हूं ये सारे बॉयज हैं हम हैं वी वर हियर। वो तो देख लो मेरा देख रहा है तरफ पे ना दो मिनट उधर बैठ कैमरे को शॉट अरे इधर तरफ पे ना अच्छा लगा दिया बस बॉयज शाम खराब हो रही है गाना चलाने सी यू लेट बल्कि गाना तो सुनने भी चल सकता है उनकी प्लेलिस्ट बड़ी कचरा होती है वो जरा हाई मेंटेनेंस इंग्लिश ईडीएम लगा देते हैं शाम में इंग्लिश ईडीएम कौन सुनता है हम जरा उच्चियाँ दीवार ही सुन रहे हैं या तेरे जिया होल्ड इज द एक मिनट आलो दरख्त पे बैठे हैं आओ लोग इधर इस पे बैठे हुए थे इस पे यहाँ बैठे हुए थे आप लोग पकड़ बॉयज कहाँ हैं हम पता नहीं इन लोग को ही पता है खैर दरवाजा बनता शीशा बनता टैक्सी में मैदान में बैठ गए हैं पांच लड़के ड्राइवर को हटा के ये तभी उल्लिया सा हो रहा भी सेट करेंगे इसको लेकिन जो भी जगह बड़ी अच्छी जगह है हाथ बंधे हुए थे तो हम वो नहीं बना पाए वीडियो रस्ते की वेरी गुड रस्ता मुझे तो मैं नॉर्दर्न कभी गया नहीं पर ये जगह नॉर्दर्न वाली फीलिंग दे रही है निमट गया ये भी निमट गया आगे भाई जगह नाम तो बता दो यार ये है शाहदरा वैली कहते हैं इसको और यहाँ पे थोड़ा सा वाटरफॉल ज़्यादा ऊँचाई से नहीं अच्छा हम लोग आए ना हम इसको देख रहे हैं हमने बोला भाई इधर वाटरफॉल का आएगा वो चाचा ने दलील कर दिया बोला भाई यही वाटरफॉल है भाई इस जगह की यही सोचो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ आप लोग को यहाँ आप बैठो यहाँ भले लौंडे ही हो बच्चियाँ ना हो पर क्या वाइब है यार यहाँ से चाय है वहाँ से उन भाई की चाय है फुल डबरी वाली चाय है चाय भले बेकार हो चाय बेकार होती है उमन पर मनी मेकर है भाई सर जी ये क्या आ गया आम कहाँ बह रहे भाई वो एक बंदा गिर गया था अभी तो उससे बड़ी हिदायत मिल गई अब हम सब वजू कर रहे हैं ताकि नमाज भी पढ़ लें भाई ये शाम कैसे रंग सी है वहाँ ठंडी छाँव है सही है नेक्स्ट पार्ट में हम ज़रा आसमान पे पैरा सेलिंग शेलिंग और गांव लॉन्ग वेटेड गांव दिखा देंगे फाइनली इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करने की मेन वजह यही थी कि देखो एक वजह तो ये हो सकती है बहुत बड़ी वीडियो बन रही है आधे घंटे की पर उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता मेन वजह ये थी पहले मैं बना रहा था दूर एक गाँव है दैट्स इट पूरी वीडियो वो है पर फिर मैंने सोचा अगर उसको ब्रेक करके गाने के लिरिक्स पूरे हो सकते हैं तो वाई नॉट मेरी जान कॉपीराइट ओके जी मिलते हैं फिर कुछ दिन क्या मतलब ऑलमोस्ट रेडी है इसके बाद देख लेगा अगला पार्ट ओके
टेक केयर।